लेकिन फिर भी लाइफ में बंद ही नहीं है, चाहिए भी नहीं अपने आप को, अभी अपने आप को एकदम सिंगल रहना है। यार पटना के किसी भी गली या रोड में चले जाओ, इतना तो घूम लिया मैंने कि मतलब गली गली चौक चौराहा देखा हुआ है मुझे। कैसे कौन करता है भाई? चलो चलो घर। Hey guys, once again welcome back to the channel. Hope you guys are all doing good and fine. आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने में काम में व्यस्त होंगे। पता है मैंने कितने दिनों के बाद अपने कैमरे को हाथ में पकड़ा है? मैंने लास्ट व्लॉग दुर्गा पूजा में किया था, अब मैं दिवाली छठ के बाद मतलब आज 16 नवंबर है तब मैं व्लॉग कर रहा हूँ। मतलब बहुत ही ज़्यादा गैप चला गया भाई, और क्या कुछ हुआ मतलब बहुत सारी चीज़ें बताना है आप लोगों को। सबसे पहले मैं भी हरबड़ी में हूँ, मुझे एक जगह निकलना है बिकॉज मुझे बहुत ही ज़्यादा लेट हो रहा है, तो मैंने सोचा कि आज ब्लॉक करूँगा कुछ भी हो जाए, किसी भी तरह ब्लॉक करना है, चाहे जो बने आज उल्टा सीधा गलत सही जो बने बना के डाल देना। ये रहा फिलहाल अपना बीस्ट, इसे मैंने आज ही वॉश करा है तो पूरा क्लीन एंड क्लियर दिख रहा है यार। और आज आपका भाई पूरा ब्लैक ब्लैक में एकदम देख रहे हो पूरा, लेकिन फिर भी लाइफ में बंद ही नहीं है, चाहिए भी नहीं अपने आप को, अभी अपने आप को एकदम सिंगल रहना है। सिर्फ ठीक कभी थी भी नहीं बट जी। तो स्विच हो गए हम लोग पूरे गोप्रो पे एंड लेट्स ओपन द डोर। अभी आपको अपने घर का बाहर से एक न्यू लुक भी दिखाता हूँ। मतलब जो लोग पहले से मेरा कुछ ब्लॉग देख रहे थे उनको तो पता होगी ये कंडीशन कैसा था इस मतलब पूरे घर का, तो अभी जाके ठीक हुआ है। जब भी आपको कहीं जल्दी रहेगा ना तो ये सब पनौती लगता ही लगता है। एक तो ऐसा ही लाइफ मेरा झंड हो चुका है भाई, और ऊपर से ट्रैफिक। एक्चुअली ये जो टाइम आवर है ना स्कूल के छुट्टी टाइम आवर है, तो इसलिए थोड़ा बहुत तो ट्रैफिक मिलेगा ही मिलेगा। अभी तो क्या कर सकते हैं, इसी सबको फाड़ के निकलना होगा। और इधर का ट्रैफिक सिस्टम ये मतलब इधर रोड थोड़ा कंजेस्टेड है, बाकी आप स्टेशन क्रॉस करते ही रोड कंजेस्टेड उतना नहीं, बल्कि बाकी इधर कंकरबाई एरिया का रोड थोड़ा सा कंजेस्टेड आपको मिलता है, इसलिए इधर ट्रैफिक इतना थोड़ा बहुत तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो मुझे निकलना है यार। दीदी साइड से, दीदी दीदी साइड, ये दीदियों से बच के चलना पड़ता है भाई, वरना जानते ही हो कलेश करने लगती है दीदी लोग। दीदी तरह से साइड दे दो दीदी। भाई मैं दीदियों से बड़ा सावधान रहता हूँ भाई, मैंने आजकल बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, उन्हें लगता भी नहीं, उन्हें कोई छूता भी नहीं भाई, थप्पड़ भी वो हल्ला कर लगती है, तुमने ठोक दिया, तुमने ये कर दिया। तो सावधान रहे, सतर्क रहे, आपकी सुरक्षा आपकी इज्जत आपके हाथों में है, वरना तो भैया अगर कुछ उल्टी सीधी हरकतें हुई तो आपकी निकल जाएगी पूरी भाई स्कूल। बॉयज तो फाइनली हम लोग निकल रहे हैं। या ब्रो कैमरा ऑन है मेरा, ले तुम्हारे घर आओ तो यही प्रॉब्लम है यार। 310 पीछे से बहुत ही ज़्यादा सेक्सी लगता है मतलब, और इसने एग्जॉस्ट लगा रखा है ना, इसका साउंड भी काफ़ी ज़्यादा हैवी निकलता है यार। फिलहाल अभी यहाँ पे ट्रैफिक बंद है, वरना 5 मिनट तो हम लोगों का यहीं पे लग जाता। फिलहाल अभी हम लोग को जाना है जू के पास, तो फिर आराम है, वरना अभी तो यार मतलब मात्र आधा घंटा बाकी है वहाँ पे पहुँचने के लिए, पता नहीं आज हम लोगों का काम हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा।
माइक बाहर ही लगा देते हैं। हाँ जी भाई साहब, तो जिस काम के लिए हम लोग आए थे वो फाइनली हो चुका है। मुझे तो लगा भाई आज होगा ही नहीं, ऑफिस बंद हो जाएगा, बट हो गया, होप सो हो गया। अब थोड़े मज़े से ब्लॉग करते हैं। इधर से यूटर मार लेते हैं पहले हम लोग। यार पटना में इतने सारे अंडरग्राउंड रोड्स बन गए हैं ना कि आप अंदर अंदर कहाँ निकल जाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा। एंड ये टर्निंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, इसलिए वहाँ पे आप लोग देख रहे हो एक छोटा सा मिरर दिया होगा तो उसमें टर्निंग पॉइंट पता चलता है। एक टोटल तो भाई एक और दहाड़ती है भाई बाइक ये। यार ये गलियों में मतलब स्पोर्ट्स बाइक में इतना दिक्कत होता है ना, बाकी आपके पास क्रूज बाइक रहे या फिर हिमालयन रहे आप आराम से इन सब गड्ढे वड्ढे को पार करते रहोगे। जहाँ पे भी आप स्पोर्ट्स बाइक लेके जा रहे हो जरा सा भी गड्ढा आएगा मतलब बैंड बच जाती है, खास करके हाथों हाथ का हालत नहीं। और वो तो भैया मतलब उड़ाया जा रहा है, मतलब एग्जॉस्ट लगा के पूरा। ओह शिट, यहाँ पे थोड़ा सा काम लगा हुआ है। कि किसी भी गली या रोड में चले जाओ, इतना तो घूम लिया मैंने कि मतलब गली गली चौक चौराहा देखा हुआ है मुझे, किसी भी कोने में चले जाओ। रुक गया बिकॉज उसके बाइक का साउंड इतना है ना, वरना उसके घर वाले बोलेंगे क्या कर रहा है यार तू। नीचे। ध्यान से देखिए, ये इसने 7 दिन से नहीं नहाया। ऐसे कौन करता है भाई? एक बार कैमरा में फेस कर, अगर तुम मर्द हो तो दिमाग से यहाँ चढ़ा के देखो। मजाक नहीं, रियलिटी में इसमें नहीं, पर इसमें तुम थोड़ा सा फिल्टर डाल देना, पता चलेगा तुम नहीं नहाया हो आज। अब इतना ही मर्द बोलने के लिए नहीं बोलते कि बाजी रहो बन जाओ सीधा करके। बोलो बोलो क्या हुआ? आँख में आँख मिला के बोल रहा है क्या हुआ? भगा रहे हो? ठीक है जी, भगा रहे हो। एक दिन तुम इनविटेशन कार्ड छपवा के हमको बुलाओ घर, पूरा टाइम आएगा ब्रो। अरे चल पहले ठीक से 1:30। और जी तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा रुके थे थंबनेल के लिए, एंड अभी हम लोगों ने बाइक स्विच करा है। चेंज कर लो मोड, चेंज करेगा था हमने चलाएगा। बेइज्जती कर रहे हो, ठीक है चलो जी। अब तो वैसे इसको भगाते हैं 310 को। भाई ये बाइक तो गजब की मतलब छोड़ती है आगे में। भाई इसके बाइक पे एकदम ब्रेक नहीं है, एकदम ब्रेक नहीं है इसके बाइक में। यार मुझे बच बचा के चलाना पड़ेगा। ट्राई करता अभी, और थोड़ा सा ब्रेक का इशू है इसमें, बिकॉज
ब्रेकिंग थोड़ा सा कम है अभी, तो बाइक थोड़ी सी सर्विस खोज रही है इसलिए, वरना बाइक में कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। एंड हाँ, ये बाइक सेल पे है, अगर किसी को भी लेना हो, किसी को भी लेने में इंटरेस्ट हो तो प्लीज़ मुझे DM करें इंस्टाग्राम पे। जो भी आपको रेट, जो भी आपका इंक्वायरी होगा, मैं सारा आपको बता दूंगा, बाइक कब का है, प्राइस कितना है, तो प्लीज़ याद से DM करना। बाइक आप लोगों ने देख ही लिया है कैसा भाग रहा है बाइक। सब चीज़ आप लोगों ने देख ही लिया कि ये बाइक कैसे भाग रही है रोड पे। चलो चलो घर में, घर में, घर में। चलो घर में, आ जा घर में।